बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा तालबात, आज 25 अगस्त को इंग्लिश का आखिरी पेपर है। बीएबीएससी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए आज कुछ ग्रुप्स में पेपर हो रहा है और एक ग्रुप का भी पेपर हो चुका है। अजीज़ तलबा तालबात, कुछ पेपर जो 18 तारीख को हुआ था पहले ग्रुप में, और 20 को जो 11 बजे वाला ग्रुप था जिसमें गूगल सर्वर डाउन होने की वजह से वो नहीं हो सका था, उसका रिपीट पेपर 28 अगस्त को होना है। अभी मेरे पास बहुत से तलबा तालबात कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनको एरर 500 आया था, एरर 505 आया था, जिसकी वजह से उनका पेपर ब्लॉक हो गया और उनकी प्रॉक्टर ने भी हेल्प नहीं की। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स ने क्यूरीज की हैं कि उनका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं लगा और वो कहते रहे, प्रॉक्टर को भी कहते रहे, लेकिन उनका सोल्यूशन नहीं हुआ और वो पेपर नहीं दे सके। चंद एक तलबा तालबात ने कंप्लेंट की कि उनको गूगल मीट लिंक है वो पेपर के एंड पे मिला और उसको उनको बहुत शॉर्ट टाइम मिला, 10 मिनट 15 मिनट पेपर करने के लिए। इस तरह डिफरेंट किस्म के इश्यूज आए और जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं। और इसी तरह कुछ तलबा तालबात कह रहे थे कि ऐसी भी जो था सेफ एग्जाम ब्राउजर जो था वो उनका ओपन ही नहीं हो सका। इसी तरह जो ऐसी भी ब्लॉक होता रहा, और इसमें कुछ तलबा तालबात को ड्यूरिंग पेपर इंटरनेट डिसकनेक्टिविटी हुई जिसकी वजह से उनका आईपी चेंज हो गया, क्योंकि आईपी चेंज होने की वजह से ऐसी भी ब्लॉक होता रहा। कुछ तलबा तालबा हॉटस्पॉट यूज कर रहे थे जिनकी वजह से उनको ये एरर सामना करना पड़ा, और कुछ तलबा तालबात को ईमेल रिसीव नहीं हुई और जिस वजह से वो पेपर नहीं दे सके। इसमें डिफरेंट किस्म की मल्टीपल किस्म की कंप्लेंट्स आ रही हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स ने कंट्रोलर एग्जामिनेशन को भी ये मेल्स किए हैं। अभी तक इन बच्चों का जिनके ये मसले मसाइल आए हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चों के जेन्युइन मसले भी हैं और कुछ के मे बी सम होंगे जिनका जेन्युइन नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर बच्चों के जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और उनको वो प्रॉब्लम हो रही है और वो ऑनलाइन पेपर देना चाहते हैं। इस हवाले से कंट्रोलर एग्जामिनेशन से भी बात हुई थी, उनसे भी डिस्कस हुई, अभी तक इनके बच्चों के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया। अभी तक यही है कि वो अपने ट्रेडिशनल एग्जाम में ही अपियर हों और उसको अपग्रेड करें, उनको पास करें। लेकिन अगर इसके बारे में आप लोगों की जो कंप्लेंट्स आई हैं वो अंडर डिस्कशन भी है कि अगर इन ऐसे बच्चों को जिनको वाकईतन प्रॉब्लम हुआ है, क्या उनका पेपर दोबारा लिया जाए या नहीं। लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं है, और ये मैं आपको बता दूं कि ऑल दो इसके चांसेस तो कम हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो कंप्लेंट्स कर रहे हैं आपकी क्यूरीज के मुताबिक आपको फैसिलिटेट करने के लिए, अगर आपका फॉल्ट नहीं है तो कंट्रोलर एग्जामिनेशन इस पे जरूर नजरसानी फरमाएंगे। और अजीज तलबा तालबात, इसी तरह कुछ पेपर जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं आउट ऑफ कोर्स हैं, साइकोलॉजी का, जुआलॉजी का, मैथ का या कुछ और, उनकी भी आप कंट्रोलर एग्जामिनेशन को जरूर इन्फॉर्म करें ताकि वो उसके मुताबिक अपना डिसीजन ले सकें। तो ये सारी बातें मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा हूँ। नेटशेल ये है कि अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ, अगर होता है तो वो जरूर आपको इन्फॉर्म कर देंगे, अदरवाइज आप अपने इन पेपर्स को ट्रेडिशनल के लिए तैयार करें। बहुत बहुत शुक्रिया।